मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक। आवर न्यू टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। लेट्स स्टार्ट द फॉर्मल चार्ज। तो मीन यहाँ पर फॉर्मल चार्ज यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो पॉली एटॉमिक और मॉलिक्यूल होते हैं या कोई आयन्स होते हैं, तो उन पर क्या है कि कोई भी जो चार्ज होता है, ठीक है, कि वो चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो उस पर नेगेटिव चार्ज हो, ये चार्ज क्या है कि उस पूरे एटम पर होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी एटम पर ना होकर के क्या होता है कि होल मॉलिक्यूल पर होता है। कि जैसे आप किसी में भी अपन बात करें कि जैसे आप ओजोन की बात करें, O3, तो O3 में जो चार्ज होता है टोटल चार्ज क्या होता है इस पर क्या आता है, टोटल चार्ज जीरो आएगा। क्या आता है? जीरो होता है, ठीक है भाई। इसमें क्या है कि चार्ज क्या हो सकता है, जीरो चार्ज भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, +1, 2, 3 भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है -1, 2, 3 भी हो सकता है। तो ये चार्ज क्या है कि ये जो टोटल चार्ज होता है वो उस मॉलिक्यूल पर कितना है, कैसे आता है, ठीक है। ऐसे आप जैसे नाइट्रेट की बात करेंगे तो NO3 माइनस होता है, ऐसे एसीटेट आयन होता है CH3COO माइनस होता है, तो ये जो माइनस चार्ज है, ठीक है, ऐसे अमोनिया होता है, इस पर जो ये चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज है ये क्या है कि पूरे मॉलिक्यूल पर है, ना कि किसी ओनली क्या है कि एक सिंगल एटम पर है। तो इसे क्या है कब बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मल चार्ज। देखिए आप यहाँ पर क्या है कि इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है भाई, मेन यहाँ पर देखो एक मेन बात क्या होती है कि जो लुईस स्ट्रक्चर्स होती है, वो लुईस स्ट्रक्चर क्या है कि वो क्या है कि जनरली रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। वो क्या है कि इसकी एक्चुअल शेप को क्या है कि किसी मॉलिक्यूल की डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कि जो अपनी ये कहें कि जो लुईस स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन लुईस स्ट्रक्चर से क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है वो उससे रिप्रेजेंट नहीं होती है। तो क्या है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स द नेट चार्ज इज पासेज बाय द आयन एज ए होल एंड नॉट बाय ए पर्टिकुलर एटम। ये चार्ज क्या होता है, आयन जो होता है वो होल मॉलिक्यूल पर होता है, ना कि किस पर, पर्टिकुलर किसी एटम पर होता है, ठीक है ना। कि भाई जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम है, ठीक है, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स यानी कि वहां पर क्या है, पार्टिकल भी कोई भी जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उस मॉलिक्यूल में क्या है कि क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल मीन यहाँ पर क्या है, एटम्स होते हैं, ठीक है, कि वो क्या हो सकते हैं, एक सेम टाइप के एटम हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। इट इज हाउएवर फेसिबल टू असाइन ए फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। अब क्या है कि इससे हम क्या करेंगे कि भाई ये इस पर आता कैसे कि फॉर्मल चार्ज अपने इस पर जैसे बता रहे हैं कि किसी पर जीरो आएगा, किसी पर +1 आएगा, किसी पर -1 आएगा, -1, 2, 3, +1, 2, 3, तो ये कैसे आता है कि अपन क्या करते हैं कि इनकी कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के पर एटम पर क्या है कि चार्ज क्या है, उस चार्ज को आप कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका जो सब्ट्रैक्ट एडिशन जो भी होता है उससे जो वैल्यू आएगी उससे अपने को पता चलेगा कि होल एटम पर चार्ज क्या है। आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर अपने डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए कि द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन मे बी डिफाइंड, यानी कि आप इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। कि एक तो क्या है कि उसके वैलेंसी सेल में जो कोई भी एटम है उसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में कि उसकी आइसोलेटेड स्टेट में, या अपन क्या बोले कि उसकी फ्री स्टेट में, कि उसके जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जैसे अपन यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो उसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट द एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर, और जो अपने क्या है कि दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि जो लुईस स्ट्रक्चर्स में अपने यहाँ पर डिनोटेड करते हैं, नोटेशन जो करते हैं अपन उसमें, इट इज
एक्सप्रेस एज, यानी कि इसकी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज, जिसे आप शॉर्टकट में एफ सी बोल सकते हैं, ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, कि टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है कि उसके फ्री स्टेट में, ठीक है, या आइसोलेटेड स्टेट आप कोई भी बोल सकते हैं, यहाँ पर माइनस क्या जाएगा, माइनस ये क्या है, थोड़ा सा मैंने करेक्शन हो गया था, तो आप यहाँ से इसके सामने लिखना है आपको ये टोटल नंबर नॉन बॉन्डिंग, यानी कि इसको आप शॉर्टकट में बोलेंगे एन बी, नॉन बॉन्डिंग को आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको तो आप लिखेंगे बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एन बी और एंटी बॉन्डिंग ए बी, ठीक है ना। इसको क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप इस तरह से शॉर्टकट में डिनोटेड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाई कोई भी जो मॉलिक्यूल है उस सॉरी जो एटम्स हैं उन एटम के क्या है कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स को कंपलसरी नहीं होते हैं कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग और क्या है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयर्ड यानी कि किसी से भी आप शेयरिंग कैसे हो सकती है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड से हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, और एक क्या है आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है इनमें दोनों में क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी कि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, या अपने क्या बोले कि शेयरिंग में। तो इस फॉर्मूले से क्या है कि आप इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि द कंटेनिंग इन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एटम इन द मॉलिक्यूल ओवन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ इच शेयर्ड पेयर एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए लोन पेयर, ठीक है ना, कि आप उसमें क्या है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको भी कैलकुलेट करेंगे और साथ में क्या है कि जो उस पर क्या है कि लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि जो उसमें नॉन बॉन्डिंग में यानी कि अपनी ये कहें कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रही या शेयरिंग नहीं हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ओजोन का, तो ओजोन में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है ओ थ्री, तो इस पर अगर अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू जीरो आती है, फॉर्मल चार्ज वैल्यू क्या आती है यानी कि एफ सी इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्मल चार्ज जीरो कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या बनाते हैं ओजोन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, लुई डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, ओनली एक सिंगल लोन पेयर है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है कि थ्री लोन पेयर है, ठीक है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है टू इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ये कैसे कैसे आ रहे हैं कि इसके देखिए टोटल छः इलेक्ट्रॉन्स थे तो छः में से एक तो ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर इसके टू इलेक्ट्रॉन तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हो गए, अब बच गए कितने इसके टू इलेक्ट्रॉन, तो टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है इस ऑक्सीजन के साथ इसने पार्टिसिपेट किया, टू इसके और टू इसके, यानी कि ये यहाँ पर इसके टू इलेक्ट्रॉन और इसके भी टू इलेक्ट्रॉन क्या है शेयरिंग में, ठीक है, ये भी शेयरिंग में है बट ये क्या है कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो अब क्या है कि अपने इनको एक नंबर दे देते वन टू और ये थ्री नंबर ऑक्सीजन। अब क्या है कि भाई कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल के क्या है कि जो पर एटम है उस पर अपन चार्ज कैलकुलेट करेंगे, अपने को जो फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से क्या है कि आप टोटल पहले फर्स्टली क्या करेंगे कि पर एटम पर क्या करेंगे अपने कैलकुलेट करेंगे इसको, और उसके बाद क्या है कि आप टोटल चार्ज को बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वन, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पर आप पहली बात करेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर से है कि इसमें क्या है कि फर्स्टली अपन ने क्या बताया था कि भाई अपन जो फॉर्मूले से बात की थी कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भाई अपने फॉर्मूला क्या बताया था टोटल, यहां लिखता हूं सॉरी, चलो यहां बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में क्या होते हैं सिक्स होते हैं, सीधी सी बात है। फिर आपने बताया माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग
टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग या इसको अपन क्या बोल सकते हैं लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर आगे क्या बताया, माइनस हाफ और टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अपने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि भाई जो टोटल आप चार्ज है वो इससे कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपनी इस पर बात करें तो फर्स्टली अपने क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ऑक्सीजन में क्या है टोटल सिक्स होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, टोटल नंबर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है टू है, ठीक है, तो माइनस टू हो गया। उसके बाद क्या आता है माइनस हाफ और फिर क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या अपन क्या कहें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, सिक्स, भाई फोर और यहाँ से तो क्या हो गए सिक्स, तो क्या हो जाएगा ये इससे सिक्स से मल्टीप्लाई, तो टू वन जा टू और टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पर सोल्व करेंगे तो सिक्स माइनस टू और माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू क्या आ गया प्लस वन, यानी कि इस ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है प्लस वन आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर करते हैं अपने दूसरे ऑक्सीजन पर, दूसरे ऑक्सीजन सेकेंड ऑक्सीजन एटम पर यानी ओ टू, ठीक है, नीचे लिखते तो ऑक्सीजन कर जाएगा। तो ये क्या है कि केवल आपको डिनोटेड करना है, आप इसको ए बी सी डी भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर इस ऑक्सीजन के लिए अपन बात करें तो इसमें क्या है कि फर्स्टली अपन क्या बताएंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सिक्स माइनस, फिर क्या आएगा टोटल नंबर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने फोर, लोन पेयर टू है यहां पर, टू और टू फोर है, ठीक है, माइनस हाफ और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं फोर, टू यहां से और टू यहां से, तो ये क्या हो जाएगा फोर से मल्टीप्लाई, तो टू वन जा टू और टू, ठीक है, टू टू जा फोर, तो क्या आ जाएगा इस पर चार्ज सिक्स माइनस माइनस फोर और माइनस टू, तो क्या हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स, तो क्या आ गया जीरो, यानी कि इस ऑक्सीजन पर जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या है जीरो। अब बात करते हैं अपन इस पर, तो O3 पर यानी कि थर्ड नंबर ऑक्सीजन पर बात करें तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सिक्स, फिर उसके बाद क्या आती है कि भाई यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं सिक्स है, यानी कि थ्री लोन पेयर हैं, ठीक है, तो सिक्स माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं टू, कितने हैं टू, तो टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया सॉरी टू वन जा टू, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस वन का, यानी कि ओ थ्री इक्वल टू सिक्स माइनस सिक्स और माइनस वन, ये क्या हो जाएगा सेवन, तो ओ थ्री पर क्या चार्ज आया माइनस वन, ठीक है, तो इस पर जो चार्ज रहेगा वो माइनस वन रहेगा, यानी कि अगर इसकी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो इस पर अगर आपको चार्ज शो करना है तो आप किस तरह से शो करेंगे कि इस पर तो जीरो है, तो जीरो तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, इस पर तो क्या है प्लस वन है और इस पर क्या है माइनस वन चार्ज है, ठीक है। अगर अपना होल एटम पर बात करें, होल मॉलिक्यूल पर बात करें, तो Fc इक्वल टू आप जितने भी इसमें एटम्स हैं सबका चार्ज लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर क्या है प्लस वन, सेकेंड पर जीरो और थर्ड पर क्या है माइनस वन, सबको ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या हो जाएगा प्लस वन जीरो और माइनस वन, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ सी इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर अपन टोटल मोलिक्यूल यानी कि होल मोलिक्यूल पर अगर इसकी फॉर्मल चार्ज की बात करें तो वो क्या है ओजोन पर सॉरी ओजोन पर जीरो है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं एक दो, आपको एक एग्जाम्पल इस तरह से आप सोल्व करेंगे, तो एक तो आप करिए अमोनिया पर, ठीक है, इस पर प्लस वन होता है, ठीक है, तो अमोनिया पर फॉर्मल चार्ज क्या होता है आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस वन आएगा आप कैलकुलेट करना इसको, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आपको कार्बोनेट का दे देते हैं, ठीक है, नाइट्रेट NO3 माइनस
सॉरी ये चार्ज नहीं लगा रहे हमें, ठीक है, क्योंकि चार्ज से तो आपको पता चल जाएगा सॉरी, ठीक है। तो अमोनिया NH4 पर, कार्बोनेट पर और नाइट्रेट पर क्या है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। इसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी एग्जांपल ले लेना आप, उस पर क्या है कि आप फॉर्मल चार्ज यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेट, HNO3, इस पर भी आप कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि एक होमवर्क हो जाएगा, इन पांच पर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप यानी कि उसकी लुईस स्ट्रक्चर्स आप डिनोटेड करेंगे, उसमें उसमें बॉन्डिंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो भी है लोन पेयर आप यहाँ पर शो कर देना, और उसके बाद इनके इस फॉर्मूले से आप ऐसे कैलकुलेट करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा अपना लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, तो ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।